बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आज पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे कि 9 बजे हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि तोशाखाना केस के अंदर हमने उस ऑर्डर को चैलेंज करना था, तो लिहाजा जितना लेट होता उतना ही हमारे लिए नुकसान था। और वही हुआ कि आज लेट जो है खान साहब के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किए गए। वहां पर सूरत हाल थोड़ी सी बता दूं कि 12:30 बजे मुझे मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाजत दी गई और पुलिस की गाड़ी के अंदर लेकर मुझे गए। 1.5 घंटे के करीब वहां पर मुझे एक कमरे के अंदर जो है वो बिठाया गया और कहा गया कि वो थोड़ी देर तक आते हैं और आपकी मुलाकात जो है करवा दी जाएगी। फिर आगे ले गए वहां पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में, उनको भी लाया गया और वहां पर मुलाकात करवाई है। 1:30 बजे ये हमारी मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन 2:45 तक ये मुलाकात जारी रही है, 1 घंटा और 45 मिनट। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं, तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहां पर ओपन वॉशरूम है, उसके ऊपर वॉशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहां पर उन्होंने यह बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं, ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी है वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये डी क्लास में रखें, लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, सारी जिंदगी यहां पे रह लूंगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सर ये उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं आज स्पेशली उन लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूं, आपने जाकर बताना है कि जो इस वक्त जेल के अंदर इसी नौयत की और इससे ज्यादा तकलीफात में वहां पर कैद काट रहे हैं, जिनमें उन्होंने सारे वर्कर्स का जिक्र किया पहले कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं, फिर जो टॉप लीडरशिप वहां पर लाहौर के अंदर शहरियार इजाज चौधरी साहब, सना खतीजा और तैयबा और मशवानी साहब और सारे जितने नाम भी उन्होंने, अली मोहम्मद खान, सारे जो गिरफ्तार है, शहरियार अफरीदी, यास्मीन राश्ता, एक एक बंदे का नाम मैं मतलब स्किप कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने एक एक बंदे का नाम लिया कि उनको मैं आज दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह से वो वहां पर डटे हुए हैं और गुलामी मंजूर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये तीसरा अटैक मेरे घर के ऊपर हुआ है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, बुशरा बीबी उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है, और इसके ऊपर आपने यानी कि लीगल टीम ने वहां पर जाकर बकायदा तौर पर जिन लोगों ने दरवाजे तोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनके खिलाफ केसेस वहां पर फाइल करने हैं। फिर उन्होंने बताया कि मेरे जो गार्ड्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया, और साथ मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह थे, अली खान, अवैस, अली नियाजी, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो लिहाजा आप ये देख लें कि उनका क्या कसूर था, कोई किसी तरह से ना उन्होंने मजम्मत की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई रेजिस्टेंस की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई बंदूक या कोई चीज छीनी, उनके ऊपर डकैती का पर्चा कर दिया। फिर उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की कोर कमेटी है वो फैसला करेगी, जो भी हमारा लाए अमल होगा, कोर कमेटी को सारा इख्तियार मैं दे के आया हूं, कोर कमेटी सारा फैसला करेगी और मेरी मुशावरत से करेगी, कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, कोर कमेटी सारे फैसले पीटीआई के हवाले से करेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो मुझे
यहां से अगवा किया गया है। ये 9 मई की तरह दोबारा अगवा था। जिस तरह से 1 बजे पुलिस फौरन पंजाब की वहां पहुंची है, ना उनके पास कोई मुझे वारंट दिखाया गया, हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, और जबरदस्ती मुझे दबोच के कपड़ा डाल के वो गाड़ी के अंदर उन्होंने जाके मुझे बिठाया है। तो ये एक अगवा इस हवाले से मैं कहूंगा कि 12:30 बजे फैसला होता है और पुलिस की ना इजाजत होती है पुलिस के पास, इस्लामाबाद पुलिस ना मौके पे मौजूद होती है, पंजाब पुलिस आकर जिस तरह से उन्होंने मुझे वहां से अगवा किया, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, तो मैं ऐसे अगवा कहूंगा। और लोग अगर पुरमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो उनका हक है, क्योंकि जिस तरह से ये डिसीजन दिया गया उजलत में और जैसा हमने यकतरफा कार्रवाई की, तो पुरमन एहतजाज हर शहरी का हक है। और मैंने पुरमन एहतजाज का हमेशा कहा है, मैं अब भी यही कहूंगा।